बनेगा भाजपा के लिए? समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। क्योंकि आज जो है हमारे जो चार स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन चार स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं साबित हो रहा? गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं साबित? मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी, तो उसी को फॉलो किया जाएगा और इस तरह का हो सकता है बदलाव आगे भी हो सकते हैं। कांग्रेस और सपा में लगभग गठबंधन तय हो गया, आज शाम को प्रेस वार्ता भी शायद हो सकती है, 17 सीटों को लेकर जहाँ तक सूचना मिलेगी सहमति बनी है, हुआ है कुछ ऐसा? अगर आपको सूचना मिली है तो कोई फैक्ट्स तो होंगे तभी आप तक सूचना आई है। नहीं, 2-3 सीटों को लेकर कुछ अभी, लेकिन अब आप पे सूचना आई है तो मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई सच्चाई होगी इसमें। धर्मेंद्र जी पहले वहां से थे, बताइए उसे, अब उनको क्या लग रहा है, कहां उनको दे जा सकते हैं आने वाले समय में? जिस तरह आप देख रहे हैं रोज लिस्ट निकल रही है हर हफ्ते में, तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र जी अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। सांसद जी लगातार लिस्ट जारी की जा रही है, सांसद लगातार नहीं, खाली 3 लिस्ट आई है, 3 लिस्ट आई है, तेज प्रताप यादव जी का उसमें नाम नहीं निकल के आया, क्या मैं समझती हूँ राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि यूपी के युवा जो हैं वो रात में शराब के नशे में सड़कों पे घूमते हैं। यूपी के युवा जो है वो शराबी है, रात भर सड़कों पे मतलब डांस करते हैं। मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, पर मुझे ये पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, वो हताश है, उसकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी आती भी है पुलिस में, आपने देखा होगा किस तरह पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया है क्योंकि पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ। और जो यहाँ पे $1 trillion इकोनॉमी की बात हो रही है, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है, जहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता तो मैं समझती हूँ कि यूपी की जो यूपी आगे बढ़ रहा होता, युवाओं के पास नौकरी होती, रोजगार होते, किसान खुशहाल होता। आज किसान की भी अगर स्थिति देख लेंगे क्या है, पूरे भारत का किसान हमारा आज परेशान है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली राष्ट्रवाद किसान और हमारा जवान है, और इन दोनों स्तंभों को इस सरकार ने बुरी तरह से हिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ में शामिल हुए हैं, क्या इससे कोई पार्टी को कोई असर पड़ेगा? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मूल जो फाउंडेशन थी वो थी PDA, और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। मैनपुरी से बीजेपी, चार स्तंभों की बात हुई थी, नारी की, युवाओं की, किसानों की और जवानों की, तो मैं समझती हूँ कोई भी खुश नहीं है। और स्पेशली जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जहाँ हमारा गांव के किसान के बच्चे फौज में जाते थे, जहाँ अर्थव्यवस्था सही होती थी हमारे गांव की, तो उस सब को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो 10 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। केशव प्रसाद जी का नाम आ रहा है बीजेपी से, मैनपुरी से केशव प्रसाद जी का जो है नाम बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, मुझे नहीं पता है। और सांसद जी, सांसद जी किसान लगातार कांग्रेस से पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को श्रीकृष्ण दिखाया गया और अजय राय को सांसद जी लगातार किसान धरना दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि बैठक की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों के प्रति कोई भी निष्कर्ष हल निकल के नहीं आ रहा, कैसे मानते हैं इसको लेकर, क्या देखते हैं? मेरे हाथ में कुछ है नहीं इन सब चीजों को लेकर।